नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। रुड़की के झबड़ेरा में पुलिस ने 26 मई से लापता एक किशोरी को लुधियाना से बरामद किया है। दरअसल मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जिसके चलते किशोरी घर से लापता हुई थी, लेकिन इस बीच एक महिला किशोरी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गई और किशोरी को मुजफ्फरनगर के एक युवक को चंद रुपए के लिए बेच दिया। बहरहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को लुधियाना से बरामद किया है। इसके साथ ही 6 लोगों को हिरासत में लिया है। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव से अपहरण की गई एक किशोरी को पुलिस ने लुधियाना से बरामद किया है, साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक महिला आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रही है। इस दौरान मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी डी सेंथिल अबुदाय कृष्णराज एस ने बताया कि बीती 27 मई को किशोरी के परिजनों ने उसके अपहरण होने की सूचना पुलिस में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की ओर से किशोरी की तलाश शुरू कर दी गई। इस दौरान पुलिस ने बताया कि किशोरी का गढ़विहार निवासी तनवीर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो महाराष्ट्र में काम करता था, जिसके बाद तनवीर ने अपने दोस्त गुड्डू और मंगल को किशोरी को देवबंद स्थित अपने दोस्त सरीक के यहां भिजवाने को कहा। वहीं उसके दोस्त ने किशोरी को दिल्ली स्टेशन पर छोड़ दिया, जहां सुमन नाम की औरत किशोरी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गई। इस दौरान महिला ने किशोरी को मुजफ्फरनगर के संदीप को बेच दिया, जिसके बाद संदीप किशोरी को शादी करके लुधियाना ले गया। वहीं पुलिस ने सर्विलांस की मदद से किशोरी को लुधियाना से बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 6 लोगों को भी गिरफ्त में ले लिया, जिसमें झबरेड़ा निवासी तनवीर गुड्डू मंगल और सरीक समेत नरेश और मुजफ्फरनगर निवासी संदीप को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस फरार आरोपी सुमन की तलाश में अभी भी जुटी हुई है। हमारे पास एक वाली द्वारा जो है लिखित तहरीर दी गई कि उनका बेटी, उनका उम्र 14 साल है, वो मिसिंग है करके तत्काल रूप से जो है हमने 365 में मुकदमा कायम करके कार्रवाई कर रहे थे। इसमें कल हमें सफलता मिली, ये लड़की जो हमने सब कुशल बरामद कर दी और इसका मामला ऐसा निकल के आया कि लड़की को किसी लड़के के साथ जो प्रेम प्रसंग का मामला था। वो लड़का जो है महाराष्ट्र में जो है गुड़ का चक्की में काम करता है, तो इन्होंने इनका दोस्त को बताया कि उस लड़की को ले आओ। वो लड़का जो है, जो इनका दोस्त है, देवबंद में रहता है, तो जबरड़े में 2 लड़के के माध्यम से जो है इनका जो है उनके दोस्त के पास पहुंचा गया है। उनका दोस्त ने जो है उनको वहाँ से जो है दिल्ली लेके गए थे। दिल्ली से जो है किसी कारण से जो है लड़का जो है लड़की को अपने साथ लेने गया, दिल्ली रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जो है इस लड़की की जो है एक महिला के साथ संपर्क में आई थी और इस महिला ने जो है लड़की का बहला गुस्सा का जो है मुजफ्फरनगर लेके आके अपने रिश्तेदार में शादी करके इनके लुधियाना भेज दी गई। तो कल जो हम इस लड़की को लुधियाना से सकुशल गिरफ्तार कर लिया और उस घटना में सम्मिलित सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी, 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी, एक को वांछित किया, उनका तलाश जारी है। इस टीम को 2,500 रुपये का इनाम जो है मेरे द्वारा घोषित किया। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।